जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के ब्लेसिंग भरे प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप मुझे लिखकर, रिकॉर्ड कर या फिर टाइप कर किसी भी माध्यम से भेज सकते हैं। संगत जी, जो संगत मेरे चैनल पर न्यू है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा संगत जी, क्योंकि ऐसे में गुरु जी के बहुत से ब्लेसिंग भरे सत्संग शेयर करती हूँ। जब भी मैं सत्संग शेयर करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको जाए और आप भी गुरु जी की ब्लेसिंग ले पाएँ। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सत्संग करन वाले का भी भला होता है ते सत्संग सुनन वाले का भी भला होता है, और संगत जी जो सत्संग सुनकर आगे शेयर करता है उसका भी भला होता है और जो सत्संग पूरा सुनता है उसका भी भला होता है। क्योंकि संगत जी, हमें नहीं पता कि पूरे सत्संग में कहाँ गुरु जी अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं। अगर हम आधा ही बीच में छोड़ देंगे तो क्या पता हमारी ब्लेसिंग आगे हो, तो इसलिए सत्संग को पूरा ही ज़रूर सुनना चाहिए। सत्संग सुनना एक ब्लेसिंग है संगत जी, वो आपको ब्लेसिंग मिल रही है, चाहे वो सत्संग आपके लिए है चाहे नहीं है, लेकिन गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती है संगत जी। कई बार हम लोग थंबनेल देख के छोड़ देते हैं कि ये तो हमारे लिए है ही नहीं, लेकिन संगत जी जो सत्संग आपके सामने आया है वो आपके लिए ही है और उसमें आपके लिए बहुत 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 ब्लेसिंग्स हैं संगत जी। तो प्लीज़ सत्संग को ज़रूर सुना करें संगत जी, मंत्र जाप रोज़ दिन में एक बार ज़रूर करा करें संगत जी। संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी ने रिकॉर्ड कर भेजा है, हम उन्हीं की जुबानी उनका सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी की पावन तारीख 7 अक्टूबर, 5वें दिन माँ के पंचम स्वरूप माता स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। आज माता के 5वें स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ अपने भक्तों पर समान रूप से स्नेह लुटाती है। देवी के इस स्वरूप की आराधना से व्यक्ति की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। कार्तिकेय की माता होने के कारण ही देवी के इस स्वरूप को स्कंद माता नाम मिला। गुरु जी हर नवरात्रि तितली के रूप में दर्शन दे रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे दाता। गुरु जी ने कहा कि अपनी दवाइयों को बेडरूम में नहीं रखना है। मैंने भी संगत जी अपनी दवाई रसोई में रखी हुई है, वहां से भी गुरु जी ने रखनी मना की है, तो अब मैं अपनी वो दवाई वहां से हटाऊंगी। यदि हम गुरु जी के बताए रास्ते पर चलते हैं तो हमारी राहें आसान हो जाती हैं। गुरु जी हमारे 90% कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने संगत जी को बताया कि यदि किसी के पैरों में दर्द है तो उसे सुबह उठ के पैरों पर थापी मारनी चाहिए, जिससे नसें खुल जाती हैं। शुक्राना गुरु जी। आदि शक्ति माता के साथ मिलकर गुरु जी हमारी सारी संगत जी के कष्ट काट रहे हैं। अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज जी। गुरु जी कहते हैं हर जीव में मेरा वास है तथा किसी भी जीव को दुख मत पहुंचाओ। गुरु जी ने कहा कि किसी भी प्रकार के पत्थर को मत धारण करो, वो कुछ समय बाद विपरीत असर देते हैं। शुक्राना गुरु जी। चावल चीनी गुरु जी ने 4 महीने के लिए बंद कर दिए हैं। कोई कष्ट काट रहे हैं गुरु जी, गुरु जी उनका आदेश, गुरु जी का आदेश सिर माथे पर। गुरु जी शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरु जी भी कभी अपने लंगर में चावल नहीं बनवाते थे, रोटी प्रसाद, सब्जी चटनी प्रसाद ही बनवाते थे। गुरु जी अपनी संगत से कहते थे कि आंधे रहा करो, जिससे कि सबको उनकी ब्लेसिंग्स मिलती रहें। जय गुरु जी, आपने अपने ऊपर जनता के सारे कष्ट लिए हैं। गुरु जी हम तो उनका शुक्र करने के लायक भी नहीं हैं, वो शब्द ही नहीं हैं जिनसे शुक्राना अदा किया जा सके। जय गुरु जी। सारी संगत को माता रानी और गुरु जी ब्लेस करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी और माता रानी सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय जयकार, जय गुरु जी, जय माता रानी, जय स्कंद माता जी, जय मेरी माता जी। स्कंद माता का स्वरूप जनता को अपने पुत्रों की तरह प्यार लुटाने का है, प्यार लुटाती हैं स्कंद माता, सारी जनता को अपने पुत्र समान प्यार लुटाती हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय माता जी।